हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग की क्लास के अंदर हमारी क्लास कौन सी है? सबसे फर्स्ट तो ये हमारी जो क्लास है, सबसे पहली जो क्लास है, तो इसके अंदर हम लोग जानेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। उससे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है ये सी लैंग्वेज? तो सी लैंग्वेज में से हमने क्या किया, सी और लैंग्वेज को किया है हमने डिवाइड। सी को कर दिया हमने अलग, लैंग्वेज को कर दिया क्या हमने अलग। तो लैंग्वेज से हम लोग क्या पता करते हैं यहाँ पर, एक भाषा। हम लोग क्या हैं, एक इंडियन है, और हम लोग क्या हैं, रहते हैं इंडिया के अंदर। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ लोगों को आती है हिंदी, कुछ लोगों क्या आती है इंग्लिश, ठीक है। किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है। जिसको हिंदी आती है वो सीखता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे पास के जो लैंग्वेज है, एक भाषा, तो उस लैंग्वेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसे हमारे पास क्या है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के हमारे पास और भी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, और आपकी जैपनीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई, फ्रांस की हो गई। तो हमारे पास के बहुत तरह तरह की भाषा है या लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर भी अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। जिस लैंग्वेज का यहाँ पर नेम क्या है, सी लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज का नेम क्या है यहाँ पर, सी लैंग्वेज। अगर हम प्रोग्रामिंग की लाइन में, किसमें हम प्रोग्रामिंग की लाइन में हैं, हम लोग हैं प्रोग्रामिंग की लाइन में, तो हम लोग इस प्रोग्रामिंग की लाइन में हम लोग क्या सीखते हैं यहाँ पर, लैंग्वेज। हम लोग प्रोग्रामिंग की लाइन में हम लोग क्या सीखते हैं, लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे को काफ़ी सारी लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक तो हमारी सी हो गई, ये भी क्या है, एक हमारे पास लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्या आती हैं, बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। जिस लैंग्वेज का नेम क्या है हमारे पास, सी प्रोग्रामिंग। सो सी प्रोग्रामिंग क्या है, एक लैंग्वेज। तो हम लोग ये सीखेंगे अब कि जब हमें ये पता चल चुका है सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज क्या है हमारे पास, सी। तो ये जो सी लैंग्वेज है, या ये कहा जाए सी प्रोग्रामिंग, तो सी जो लैंग्वेज है क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, सी जो लैंग्वेज है हमारी क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट। क्यों सी लैंग्वेज हमारी इम्पोर्टेंट है, और सी लैंग्वेज से क्या क्या होता है, चलिए फिर इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि सी लैंग्वेज हमारी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट, कि हम लोग क्यों सीखे ये सी लैंग्वेज, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ऐसा इसके अंदर क्या है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर हमारे पास, वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों सी लैंग्वेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
चलिए फिर जानते हैं इसके बारे में। देखो जो हमारी जो सी लैंग्वेज है, यस हमारी ये सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर्स थे। वो क्या हुए थे, सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बनाए गए थे, जैसे कि हमारे पास क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका नेम है, सबसे पहले एक है हमारे पास ओरेकल। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर या ओरेकल एक कंपनी। तो ये किसमें है बना हुआ, रिटन इन सी, माई एस क्यू एल है। माई एस क्यू एल भी हमारी किसमें बनी हुई है, सी के अंदर। ठीक है, और जो हमारे पास क्या आते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, डिवाइस के ड्राइवर किसमें बने हुए हैं, ये भी हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर बने हुए हैं। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर के जितने भी ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, तो किसके अंदर बने हुए हैं, हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे एंड्रॉयड मोबाइल हम लोग सभी यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड की जो कोर लाइब्रेरी होती है, कोर लाइब्रेरी जो होती है किसकी, एंड्रॉयड की, किसमें बनी है, सी लैंग्वेज के अंदर। अब हम सभी आज के टाइम पे क्या चलाना जानते हैं, वेबसाइट। तो जो वेबसाइट का जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर, ये भी आपको किसमें बना हुआ है, सी लैंग्वेज के अंदर। सो हमारे पास क्या है, जो ओरेकल है जो सॉफ्टवेयर, वो भी किसमें बना हुआ है, सी के अंदर। जो माई एसक्यूएल जो एक लैंग्वेज आती है, वो भी किसके अंदर है, जो माई एसक्यूएल है वो भी सी के अंदर है। आपके हर एक ड्राइवर किसके अंदर है, एवरी ड्राइवर किसके अंदर बने हुए हैं, आपके सी लैंग्वेज के अंदर। अब जो एंड्रॉयड की जो कोर लाइब्रेरी होती है, वो किसके अंदर बनी हुई है, सी लैंग्वेज के अंदर। अब हम सभी क्या चलाना जानते हैं, वेबसाइट। तो वेबसाइट पे हमारे पास क्या है, कुछ जो पार्ट है या मेजर पार्ट बोला जाए इसको, वो किसके अंदर बना हुआ है, आपका सी लैंग्वेज के अंदर। एक हमारे पास आता है यूनिक्स ओएस। यूनिक्स ओएस का मतलब यहां पर क्या आता है, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज, ये भी हमारा किसमें है, सी लैंग्वेज के अंदर। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे पास विंडो है, विंडो भी हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे हमारे पास क्या है, यूनिक्स है, वो भी हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो सी लैंग्वेज है हमारी, क्या है, जो सी लैंग्वेज है, सी इज दी सी हमारे पास क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर लैंग्वेज है। सी इज दी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज
या ये कहा जाए पॉपुलर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हमारे पास क्या है कि पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, किसमें? प्रोग्रामिंग की लाइन में। चलिए फिर इसके आगे हम बात करते हैं और क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट को क्यों पढ़नी चाहिए सी लैंग्वेज? जैसे कि कुछ क्या है हमारे पास, स्टूडेंट है। चलो फिर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि स्टूडेंट को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी पढ़नी क्यों चाहिए। आधे से ज़्यादा जानते नहीं हैं कि सी प्रोग्रामिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका बेनिफिट क्या है। बात करते हैं इसके ऊपर। सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल। सी प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्या करेगी, क्यों हमारे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट है? इससे हमारी क्या होंगी, प्रोग्रामिंग जो स्किल्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। सो सी इज इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स। कुछ हमें सी से क्या मिलेगा, सीखने को मिलेगा, प्रोग्रामिंग स्किल्स हमारी अच्छी हो जाएंगी इससे। और सी हमारे पास कवर करती है बेसिक फीचर्स, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। सी हमारे पास कवर करती है बेसिक फीचर्स किसके, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो इसलिए हमारे पास क्या है, सी इंपॉर्टेंट है। सी के बाद अगर हम जावा सीखना चाहते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं, सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं, या कोई पीएचपी सीखना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको सी के आधे से ज़्यादा या ये कहा जाए थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग या कुछ ऐसे जो वर्ड होंगे जो जो आपने सी में पढ़े होंगे वो वहाँ आप दोबारा से पढ़ोगे। मतलब सी आपका क्या कवर करेगी, बेसिक फीचर्स। अदर जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उन सभी के ये बेसिक फीचर्स आपके क्या करती है, सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमारे वो क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या सीखनी चाहिए, सी लैंग्वेज। हम लोग क्या करते हैं, कैंपस में जाते हैं, ठीक है। कैंपस के अकॉर्डिंग हमारे लिए पास क्या है कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सी प्रोग्रामिंग हमें सीखनी चाहिए। कैंपस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस प्रोसेस के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, कैंपस रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए। और हम थोड़ी सी इस पे और बात करते हैं, सी लैंग्वेज हमारे पास कैसी इज दी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, किसके लिए, फॉर हार्डवेयर। हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग सी किसके लिए और मोस्ट पॉपुलर है, या ये कहा जाए जो आपकी सी प्रोग्रामिंग है, जो सी लैंग्वेज है, किसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर और है? हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के लिए, जिसमें कि आप क्या कर पाएंगे, हार्डवेयर के प्रोग्राम बना पाएंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या सी प्रोग्रामिंग, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये हमारे पास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है
तो इसका मतलब ये है कि हमारे को सबसे पहले अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हमें क्या सीखना चाहिए, सी लैंग्वेज। अभी जो हमने कंप्लीट किया है इस क्लास के अंदर, सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम बात करें, सो इससे होगा क्या क्या, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। वाई सी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास देखा जाए ओरेकल, माई एस क्यू एल या ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर किस में बने हुए, हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एंड्रॉयड मोबाइल हम सभी यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो उसकी कोर लाइब्रेरी वगैरह है तो वो किस में बन रही है, सी लैंग्वेज के अंदर। वेबसाइट का मेजर पार्ट किस में बना हुआ है आपका, सी लैंग्वेज के अंदर। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप किसके अंदर है, सी लैंग्वेज के अंदर। और हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि इससे होगा क्या, सी लैंग्वेज से। सी इज अ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड द प्रोग्रामिंग स्किल, सी लैंग्वेज से हमारे पास क्या होगा, प्रोग्रामिंग स्किल जो हमारे पास क्या हो जाएंगी, इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सी कवर्स दी बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जावा, जावा हो गई, पाइथन हो गई हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे कि जावा, पाइथन, ठीक है, और जो भी उसके बाद आपको सीखना है, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या, जो कैंपस के लिए हमारे पास क्या, सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। और सी लैंग्वेज से हमारे पास क्या होगा, जब हम कभी कोई हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग जब करने जा रहे हैं तो उस केस में हमारे पास क्या आनी चाहिए, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज इसलिए क्या है, हमारे पास मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया, किसके फाउंडर कौन है, किस ईयर में हुई, तो ये सब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं या कोई एक नई टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे होते हैं तो उसके बारे में हमारे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो थैंक यू एवरीवन। Thank you.